जिला प्रशासन से मांग भी करते नहीं मीडिया के द्वारा। पहले भी हम कई राउंड बात कैले बनी, कई बार हमारा बात भइल बा कि एक जांच जरूर हो गए चाहिए, कोनो उच्च स्तरीय जांच हो, जैसे कि दूध के दूध पानी के पानी एकदम स्पष्ट हो जाओ, दोषी पर कार्रवाई जरूर हो। लेकिन निर्दोष व्यक्ति जो कहीं अपना घर में बा, कहीं बथान में केहू के घरे बैठल बा, ओकरा घर में घुस के ओकरा के मारल, इन नियत नीति के खिलाफ बा। एगो सवाल है विधायक जी, हमारा सवाल इज बावे कि जब यादव जी पिटाते रहे तो यादव जी नेताजी पहुँचत रहे, तो बाबू साहब के पिटेला पर बाबू साहब नेताजी काहे नहीं पहुँचत, का बाबू साहब टूअर टापर बा लो। अब बीए, बीकॉम, बीएससी और एमए, एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, डीएवी कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, हम राणा रवा देख रहा बनी मैच बॉक्स, और मैच बॉक्स की टीम अभी सिवान में भी। दरअसल 8 तारीख के जब पंचायत चुनाव तीसरा चरण के चलत रहे हसनपुरा में, तो रोजान तनिक पकड़ी पंचायत में एगो विवाद भइल। चूँकि पंचायत चुनाव इतना छोट चुनाव हो कि में विवाद जौन बा उ आम बात हो, लेकिन विवाद भइल। पहले दू पक्ष आपस में लड़ल, ओकरा बाद पुलिस पर पथराव भइल, ओकरा बाद पुलिस आके नीमन से ओजा के लोग के पीटल। ओमे के एगो वीडियो वायरल हो रहा बा, वर्तमान मुखिया के रूप देखले ओके कि वहाँ के भी कितना बर्बरता से ये पीटल जा रहा बा। खैर, यही विषय पर बातचीत करे खातिर कहा है कि ज़्यादातर नेताजी लोग अभी चुप बनी लो, लेकिन उ क्षेत्र जौन बाटे उ दरौदा विधानसभा में पड़ेला। दरौदा विधायक करणजीत सिंह और ब्यास सिंह जी के हम लगे पहुँचल बानी, बहुत बहुत स्वागत बा। देखी, सबसे पहले तो रहुआ मैच बॉक्स परिवार के रहुआ के धन्यवाद देते नहीं कि बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही अच्छा पहल बा रहू कि जौन भइल बा पुलिसिये कार्रवाई, जौन पुलिस कैले बिया, मानव के अधिकार के खत्म कर दिले, मानव अधिकार कहीं होले नहीं है। मान ली कि वो तरह बर्बरतापूर्वक निर्दयी के तरह केहू अगर चिल्लाता अरे बाप रे बाप, अरे माई रे माई, वो वीडियो देख ले के हम देखनी है, सब लोग देख ले बा, ओकरा बावजूद भी लगातार मैंने पाँच तरफ से पाँच गो सिपाही ओहिपर लाठी बरसाओ तरह, मैंने जानलेवा हमला के तरह बुझाते कि जान ले लिए। तो बहुत ही निर्दयता से मैंने निर्दयी के रूप में, जैसे कोनो जानवर पर भी प्रहार ना कही जाइ, कोनो ए तरह से कही गई बा। हम तो जिला प्रशासन से कई राउंड बात कैले बानी, हम कहले भी बानी दू तीन गो बिंदु पर केवलों के देखे के चाहिए कि का चुनाव के का नियम बा, चुनाव आयोग के का एक्ट बा, का रूल बा। भारत के संविधान में ऐसा कहीं नहीं के लिखल कि केहू कहीं कोनो दोषी पाओल गई बा चाहे नहीं के पाओल गई, कहीं कोनो झड़प भइल तो ओहिमे इतना निर्दयी से निर्दयतापूर्वक केहू पर प्रहार करो पुलिस, ये बहुत ही गलत बा। एकर कतनो निंदा कई जाओ कम बा। एमे दू तीन गो बिंदु बा जो हम जिला प्रशासन से कहले मानी, रवलो के द्वारा मीडिया के द्वारा भी कह रहे थे कि जैसे कि मान ली कि हमनी के बूथ से कितना दूरी पर रहे के बा ओकरा के देखल जाओ। जैसे मान ली कि कोनो गरीब असहाय जो झोंपड़ी में, जो टाटी पर, जो पलानी में वहाँ के पिटाई हो रहा बहुत, तो हमें बुझा दे केहू के घर चाहे बथान हो, केहू के दुआर हो, बिल्कुल तेज से लागत हमारा कि वहाँ के बूथ पर नहीं थी। अनूप मिश्रा जी, अनूप मिश्रा जी के तरह कई आदमी के संगे इस तरह के भइल बा, जैसे कि मान ली केहू के सर फूटल बा, केहू के हाथ में मोच आ गई बा, केहू के पीठ पर बा लाठी के दाग बा, मैंने पता ना समझ में ना आयल कि समझ से पड़े बा, अभी आज तक में ना समझ में आयल हमारा कि मैंने का है कौन परिस्थिति में एंगा इतना निर्दयी के तरह प्रहार कई गई बा पुलिस के। एक तो हम हमेशा ही निंदा करते हैं, लेकिन हम जिला प्रशासन से मांग भी करते नहीं मीडिया के द्वारा। पहले भी हम कई राउंड बात कैले बानी, कई बार हमारा बात भइल बा कि एक जांच जरूर हो गए चाहिए, कोनो उच्च स्तरीय जांच हो, जैसे कि दूध के दूध पानी के पानी एकदम स्पष्ट हो जाओ, दोषी पर कार्रवाई जरूर हो। लेकिन निर्दोष व्यक्ति जे कहीं अपना घर में बा, कहीं बथान में केहू के घरे बैठल बा, ओकरा घर में घुस के ओकरा के मारल, इन नियत नीति के खिलाफ बा। ये दोनों सब संतुष्ट नहीं की, अच्छा बात नहीं के, ये बहुत ही निंदनीय बा। एगो सवाल आओ था विधायक जी कि जहाँ तक ओजा विवाद भवे, ओकरा बाद दोनों पक्ष में पिटा पिटी भवे, वो लोग उन्हें के मर हुए, कुछ बाबू साहब लोग घायब हुए लो, तो कुछ यादव जी लोग पिटे हुए लो, ओकरा बाद पंडित जी पिटा गई, लेकिन ओकरा बाद राजनीति गोटी देखी कि जब यादव जी पिटातनी तो वहाँ यादव नेताजी पहुँच जातनी, लेकिन पंडित जी पिटातनी तो केहू नहीं खे बोलत,
बाबू साहब पिटातनी सवाल पर लोग उंगली उठाई कि तू बाबू साहब करत तर तू जतिगो करत तर लेकिन बाबू साहब लो पिटाई लो रामेश्वर सिंह बूढ़ आदमी प्रत्याशी बनी वहाँ के अभी जेल में बंद बनी अब बुरी तरह से पिटल गई बनी वहाँ के परिवार के लोग के कपार उपार फाटल बा ऊपर काहे के नहीं खेजात काहे कुछ नहीं कार्रवाई कराओ। लेकिन रामेश्वर सिंह जी के बारे में हम जानते हैं वहाँ के तो विकलांग भी बानी वहाँ के आँख से अंधा भी बानी पता ना वहाँ कैसे लोग पकड़ ले बा कैसे कार्रवाई हो गई बा कैसे वहाँ के मारामारी कर बनी हम नहीं जानत लेकिन वहाँ के मारामारी करे वाला विचार के ना है हम व्यक्तिगत रूप से जानते नहीं ना वहाँ के वो तरह से शरीर से भी सक्षम बानी कि वहाँ कहीं जाके कहीं देख के वहाँ के आँख से भी अंधा बानी शरीर से विकलांग बानी विकलांग व्यक्ति पता ना कैसे झगड़ा कर दिल कैसे आरोप प्रत्यारोप लाग रहा बा कैसे FIR हो गई मैंने बहुत जाँच के विषय बा एकदम जाँच के विषय बा एकदम गलत बा हम तो चाहते नहीं कि दूध के दूध पानी के पानी होखो एक मैंने अब का कहिए अंधा आदमी भाई कैसे चल जाइए कि 75 वर्ष के ओल्ड एज बा सीनियर सिटीजनशिप मान ली कि के आदमी बा विकलांग बा अंधा बा वो व्यक्ति कहीं कैसे चल जाइए कैसे मारामारी कर ली समझ से पड़े बा। एगो सवाल है मैं विधायक जी हमारे सवाल बावे कि जब यादव जी पिटाते रहे तो यादव जी नेताजी पहुँचाते रहे तो बाबू साहब के पिटेला पर बाबू साहब नेताजी काहे निखन पहुँचत का बाबू साहब टूअ टापर बालो। लेकिन अब हमार मानसिकता हमार विचार हमार संस्कार जोन बा हम व्यक्तिगत एक आदमी के ना बोले हम अभी रुआ से कहनी है कि ओमें केहू के सर फूटल बा केहू के हाथ पर चोट लागल बा केहू दलित बा ओकरा पीठ पर हम देखले बनी दाग कि यादव जी बा में बा एक आदमी के देखले बनी कि माथा में 4-5-6 स्टिच बा मैंने एक तरह के बहुत लोग बा अनूप मिश्रा जी के बाद देखले बनी हर जाति हर समुदाय के लोग के बोलते नहीं मैंने जौन भइल बा जेकरा साथ भी भइल बा चाहे वो जे होके जौन जाति होके जौन धर्म के होके जौन समुदाय के होके वैसे लेवे देवे के नहीं के इंसानियत के तार तार कर दिए बा एमे कहीं मानव जाति के मने अधिकार मानव अधिकार के कोनो उपयोग ही नहीं कही गई इन्हें के सोचल गई भारत के कोनो संविधान भारत के संविधान में कोनो एक कोनो रूल कोनो ऐसा प्रोवाइड नहीं करत कोनो नहीं बतावत कि केहू कोनो गलती कैले बा चाहे नहीं कैले यहीं जाकर अचानक लाठी चार्ज कर दिया मार के ओला के ओकर जान ले लिया ओला के हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया कि कोनो नियम कानून नहीं कहत। एगो और सवाल आवता वहाँ टोटल जितना प्रत्याशी रहूंगन विवाद 2-3 जो लोग कैले हुई ढेर से ढेर कैले हुई तो 4 लोग कैले हुई 4 गो प्रत्याशी या ओकर सपोर्टर कैले हुई FIR सागरी जितना लोग चुनाव लड़ता सब केहू पर हो गई बा तो लेकिन तो हम तो कहते नहीं जांच के विषय बा बहुत ही गलत बा FIR देखे के चाहिए मोबाइल के नेटवर्किंग देख लेके चाहिए लोकेशन देख लेके चाहिए के कहाँ बन लोकेशन से पता कर लेकिन चाहिए कि वो बूथ पर आदमी पहुँचल बा कि ना वो बात कि ना उज गया मान ली के 3 किलोमीटर दूर बा दूसरा गाँव में ओकरों पर FIR भइल बा ये हम जानते नहीं बात ये तो मान ली कि यहीं जितना आदमी प्रत्याशी बा सब लोग पर कह दिए बा जान बुझ के कही गई बा एक लगे अगर जाँच की बिंदु बा हम तो बार बार जिला प्रशासन से कहें 3-4 गो बिंदु पर एकदम जाँच होके के चाहिए अगर ना हो हम तो CM के लगे भी जाएँ मुख्यमंत्री जी से कहें कि हे ये बात बा कुछ वीडियो हमारे लगे बा कुछ वीडियो और ही मंगवाओ तो नहीं हम वीडियो भी दिखाएं ये जांच के बिंदु बा एकदम हम कहें। चलिए थोड़ा सा सवाल लीक से हट के चूँकि हमने के ग्राउंड पर बड़ा काम करने जा पंचायत में घूमे नहीं जा पकड़िए पंचायत में वो गाँव बा में रही आ जाए गो रोड बा जाए लोग बड़े रहुआ से उम्मीद लगे बा काहे के रुआ विकास तो बहुत कैले बनी आ विकास इतना कैले बनी कि बाकी के 7 गो विधायक लोग हती आफत हो गई बा सिवान जिला में रउआ सिरदर्दी बन पैदा कर रहा बनी वो लोग के इतना काम करा दे लेकिन में रही वाला रोडवा जोन बा कहले बन जाए काहे कि हम रुआ से सुनले बनी कि ऊपर जोन बा प्रक्रिया आगे बढ़ चुकल बा। लेकिन पहलका बात रुआ कहनी है कि हम जनप्रतिनिधि लोग सर दर्द बन गए ऐसा कोनो बात नहीं है हमारा काम करे के अलग अंदाज बा बाकी लोग अलग अंदाज बा हम जोन काम करनी ईमानदारी से करनी जनता के प्रति हम चाहे नहीं कि हम जनता हमारा के चुनले भी है जनता के प्रतिनिधि मानी तो जनता के प्रति ईमानदार बने के कोशिश करनी पहल करनी आ मेरा ही रोड के वजह जहाँ तक सवाल कोई नहीं है मेरा ही रोड में हम 2 साल से लागल बनी मेरा ही रोड के मैक्सिमम लोग से कहते हैं कि 1 सप्ताह में काम लग गए मैक्सिमम 1 सप्ताह ओकर सब हो गए टेंडर प्रक्रिया से लेके वर्क ऑर्डर के खाली इंतजार हो रहा बा वर्क ऑर्डर 1 सप्ताह में आ जाए वो ठेकेदार के भी मिल गई बा खाली एगो पेपर के वर्क बाकी बा यही वजह से काम नहीं खेल जो कि 1 सप्ताह में हम कोनो भी परिस्थिति में विभाग से वर्क ऑर्डर मंगवा दें
आ काम लाग जाए के चाहिए, माने सोमवार हो अगला सोमवार ले या मंगलवार ले पक्का लग जाए, गारंटी लिखित दे तनी हम। एगो और शिलान्यास बा जौना के बोर्ड ढह गई बा, टूट के तीन टुका हो गई बा, चैनपुर अस्पताल, आखिर काहे इतना पेंडिंग बा, कारण लोग जाने के चाहता। लगभग एक साल भई माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बहुत शिलान्यास भइल हमनियो कोनी अस्पताल के, लगभग 27,000 करोड़ के भइल है शिलान्यास। चैनपुर अस्पताल एगो हमारा यहाँ बचल हुई बहुत, माने अच्छा चीज हमरा से कहते नहीं, हम इसे पहले से जागरूक बनी। एमे एगो सेकेंड पार्टी जे बा जरा ठीका मिलल बा, अपन शिलान्यास करवा दिलस, काम शुरू बेचारा करते रहे बरसात को जैसे ना भई, ओ दरमियान वही बीच में एगो हाई कोर्ट में परिवार डाल दिलन टेंडर पर, उ परिवार में फंसल बा, वो हमारा बुझाते कि एक महीना दो महीना चार महीना में हम ओमे पहल करते नहीं, वो क्लियर हो जाइए, ओकरो के हम लोग का आश्वस्त करते नहीं कि यही काल में वो बन के तैयार हो। इहे 20 से 25 में देखें कि शिलान्यास हम ही बने, उद्घाटन भी हम ही करें, ये रोज हम कहते नहीं, ये बात के कहीं रोज डायरी में नोट कर लें कि एकदम हम लोग आश्वस्त करते नहीं। आ दरौंदा विधानसभा के चैनपुर के लोग के, सिसोन ब्लॉक के लोग के भी हम से कहते नहीं मीडिया के मार्फत कि एकदम 1% या 100% के बात हम नहीं कहते, हम 1,00,000% श्योर कहते नहीं कि यही समय में यही काल में बन के तैयार होकर उद्घाटन भी हम ही करें। जब विकास के बात चल रही बताइए, एगो और रोड हमारा जेहन में बावे, चांदपुर से अरजानीपुर तक जाए में रास्तावा जन बा, का जन कब बन रहे हमारा नहीं पता, के बनवले रही हो हमारा नहीं पता, हम पहले बुझनी कि रघुनाथपुर विधानसभा में पड़त हुई, लेकिन वो जाके लोग बतावल कि रौरे विधानसभा हवे। जब ही हम सुननी तो हम शौक हो गए नहीं, काहे कि रुआ एक एगो रोड खोज के ध्यान रखे नहीं, रोड बा 3 फीट के हो गई बा, संज्ञान में बाकी ना जी हमारा बात संज्ञान में, वो मेंटेनेंस में भी बा, वो हमनी के पूर्व के जनप्रतिनिधि के परिवार के नाम पर वो एगो कंपनी बा, वो कंपनी के बनाओ रोड है जगमातो कंस्ट्रक्शन के, आ वो मेन मतलब अथी में बा, मेंटेनेंस में बा अभी, तो वो भी हमरा उम्मीद बा कि बरसात बाद वो में भी काम लागे के चाहिए। मैं भी हम पहल कैले बनी, हम स्कूटी इंजीनियर से एसी से बात कैले बनी, सब लोग बरसात को लोग बतावल कि बरसात में काम ना हो पाई, बहुत बरसात हो रहा बा, बरसात बाद हमने के काम करवाएं सने में, ऐसे अपना विश्वास बा कि वो रोड में काम जल्दी लागी। विधायक जी एगो सवाल और आवत था, इहवा सिवान में दाहा नदी पुल जौन बाटे वो कहिए से क्रैक भइल बाटे और ऊपर जौन आवागमन बा वो बाधित बा, नतीजतन लोग के 4-5 किलोमीटर घूम के आवे के पड़ता, कोनो इमरजेंसी होके या मैरवा साइड से अगर केहू आवत होके तो वो 4-5 किलोमीटर बा ओकरा पर भारी पड़ सकता। ए पर हम और कई गो मीडिया बयान देख चुकल बनी कि रुआ बयान दिले बनी, रुआ मांग के लिए बनी, लेकिन वो कहाँ तक पहुँचल बा, का मांगवा सही जगह पर पहुँचता कि मीडिया में अधूरा के रह जाता। देखिए अभी बताओ दें 24-25 तारीख के बाद बताओ दें, पिछला महीना सितंबर के हमने के पार्टी के वरिष्ठ नेता बड़ भाई हमारे अभिभावक भी हों, हमारे राजनीतिक गुरु भी हों, लोग जानते हो आदरणीय मंगल पांडे जी बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री भी बा, तो पहले तो कई राउंड बात भइल बा हमरा, लेकिन अब की वाली जो बात भइल, बात ई भइल कि हम कहनी कि भैया ऐसा से बात बा, ऐसे शहर के सारा व्यवस्था बिगड़ गई बा, मान ली कि इमरजेंसी में आवे के चाहता, कब दूदू को ढाला पड़ता, होपड़े घूम के जाए, होपड़े घूम के आओ तो कहीं जाम जूम में पहुँच जाता, कहीं हॉस्पिटल में आवे के बाद तो कहीं ढाला वाला बंद हो जाए, कहीं कोनो वो तरह के घटना दुर्घटना ना हो जाओ, ऐसे के पर जल्दी से जल्दी पहल करी। तो मैं कहनी कि देख ना हो, हम तो तारा कहला से हमू बात कही हली कहले बनी, DM साहब के कथन अनुसार जगह जो बानू पीपा पुल के बनावे के, जैसे मान ली कि दोनों तरफ हमनी के चढ़े या उतरे के जगह होला, मैंने डाइवर्सन के तरह ओकरा के मान ले बनावल जला, उ नहीं मिल पाओ, तो हम फिर हमनी के बहुत गहन डिस्कस भइले पर, माने चर्चा परिचर्चा बहुत गहन भइल, 10-15 मिनट ले लगभग बात भइल, तो हम कहनी कि भैया बा उपाय बा, BNRT स्टूडियो के सामने से हमनी के उतार के आ ओ बगल जोड़ दिया बिजुर्ती हत्या में जो रोड बा, तो फिर वहाँ के कहनी कि ठीक भैया अच्छा बात बा, फिर वहाँ के बात भी कहनी जिला के अधिकारी पदाधिकारी से बात कह के,
बतैनी कि ठीक भाई पानी कम हो जाला, अभी पानी ज्यादा बा, अभी थोड़ा सा धार ज्यादा बा, पानी कम हो जाला, वाला बरसात भी बहुत होत रहे लगभग 15 दिन पहले के बात। अभी तो कहीं जानते हो हम 10-15 दिन से खुद पहल वहल नहीं कर परेशान मनी परिवार में घटना हाँ दुर्घटना घट गई ला, लेकिन एने हम 15 दिन में कोनो पहल नहीं कैले, लेकिन 15 दिन पहले ही बात इतना हमने के भइल बा। अब हो सकल है कि 1-2 दिन में फेरे पर चर्चा परिचर्चा होखो, जैसे वहाँ के ओजुगिया पुल पर स्कूटी फ्लड के भी लोग गए रहे, इंजीनियर लोग भी गए रहे, जेई लोग भी गए रहे, तो वो लोग बताओ कि कहीं हम लोग पीपा पुल बना देंगे लेकिन जोड़ नहीं पाते हम लोग दोनों तरफ से, कैसे लोग जाएंगे कैसे लोग आएंगे, तो इस पर चर्चा परिचर्चा हुआ। एक तो यहाँ जगह है, एक तो शिवलसा के मंदिर के पास है, वहाँ भी जगह है पीपा पुल बनाने के लिए। हम लोग बहुत गहन डिस्कशन इस पर किए हैं, बहुत चिंतित हैं। और तीसरा एक तो वहाँ आपको पता होगा वो ये वाला है ना मिशन में, वहाँ तीसरा मिशन में एक जगह हम लोग देखे हुए हैं। तीन जगह में कहीं ना कहीं बहुत जल्दी पहल होगा, हमको लगता है कि 1-2 महीना में कुछ दिखेगा आपको, पॉजिटिव दिखेगा, इसमें कहीं कोई बात नहीं है। वैसे हम भी काफ़ी मतलब इस समस्या को गंभीरता से लिए हुए हैं, और हम लोग के जो जिला के प्रभारी मंत्री हैं वो भी लिए हुए हैं, हम लोग को जिला के लाल जो हैं आदरणीय मंगल पांडे जी वो भी लिए हुए हैं, हम लोग काफ़ी गंभीर हैं इस मामले पे। इसमें कहीं ना कहीं रिजल्ट आपको 1-2 महीना में ज़रूर मिलेगा, पक्का मिलेगा आपको। ना वो सब तो ठीक बा, सभी गंभीर बाटे, सभी सोचे तो ठीक बा, लेकिन हाउ चोर बेईमान अधिकारियन के या हमें काम करे ला जे इंजीनियरन के का जौना के चलते वो 10 साल में चरक गई। लेकिन ये तो बहुत बात जो कहते नहीं, ये तो अब हम तो रोज यही पर अब काम कहीं वैसे रोज यही पर कार्रवाई करते नहीं, रोज ठेकेदार लो हमारे किसी याद दलो, रोज लिखा पढ़ी करनी। लेकिन ये बात लोग से एगो बात बताए थे नहीं कि कार्रवाई तो होके चाहिए एकदम, कार्रवाई ना भइल भी उचित बात नहीं खेत। ऐसे मान लीनू कि हमने के सरकार के जोन एगो अपन वजूद बा, अपन सिद्धांत बा, अपन विचार बा, वही पर भी दाग आ रहा बा कि सरकार में ऐसनको काम होला का, ये लोग हमने से पूछता लोग कहता, लेकिन हमने कहते हैं कि भाई अब मान लो कि सरकार के में का दोस्त बा, हमार का दोस्त बा, प्रतिनिधि के का दोस्त बा, नेता का दोस्त बा, हमारे मुख्यमंत्री जी के का दोस्त बा, ये तो विभागीय जो अधिकारी पदाधिकारी या ठेकेदार बा वो लोग के ये सब देखे के चाहिए, तो वो लोग पर मैंने एक जाँच जाँच के बिंदु बा, जाँच ये पर होता, लेकिन हाँ बुझाता कि जिला प्रशासन गंभीर नहीं थे। हम जिला प्रशासन से ये मुद्दा पर भी कहें कि गंभीरता से जाँच करके ये दोषियों को चाहे एकर ए विभाग के में जे भी आवे उन पर कार्रवाई जरूर होके चाहिए, चाहे ठेकेदार होके तो अच्छा है अधिकारी पदाधिकारी कर्मचारी विभाग के होके तो केहू के बक्से के ना चाहिए। बहुत ही गलत बात भइल बा, मैंने काम जोन बा ऐसा होके ही ना चाहिए। चलिए बहुत लम्हर बातचीत ना करें, अंत में प्रशासन से एक बार फिर कारुआ आग्रह करें जो मेरही में जौन निकांड भइल बा पकड़ी पंचायत में ओकरा पर। हम प्रशासन से बार बार कहते नहीं कहें कि जौन घटना भइल बा चुनाव के दिन एक और जांच निष्पक्ष तरीका से कोनो बाहरी एजेंसी से करवा दिया, जैसे मान ली कि CBI वगैरह से, CID से, जैसे कि सच्चाई सामने आओ, और सच्चाई सामने आओ तब इनमें प्रशासन पहल करो कि दोषी बा। अब निर्दोष निर्दोष लोग भी बा उहो लोग, और दोषी लोग बा उहो लोग, सब लोग पर एक समान कार्रवाई हो रहा बा, तो ये अच्छा चीज़ नहीं है। ऐसे हम प्रशासन से बार बार कहें कि एमे जोन भी होके जेन्युइन कामों को कहीं जांच करा के, जैसे भी होके बढ़िया जांच एकदम निष्पक्ष जांच होको, जांच करा के कार्रवाई होको, जे भी दोषी होको, मैंने ये कहा कि दोषी के छोड़ दिला काम बा, ये दोषी होकर कार्रवाई होको, लेकिन निर्दोष पर ना। चलिए जी बहुत बहुत धन्यवाद कृपया समय देने। चलिए रवा लोग के आभार व्यक्त करते नहीं, रवा लोग के भी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त, रवा लोग भी बहुत छोट छोट मुद्दा पर पहल करनी लोग एक खातिर हमारे जिला रवा लोग के प्रति मैच बॉक्स परिवार के हमेशा चर्चा परिचर्चा कर ला, रवा लोग के बहुत तारीफ कर ला, एक खातिर हमू रवा लोग के बहुत बहुत धन्यवाद देते रही कि रवा लोग मैंने जिला के विकास खातिर, जिला के जेन्युइनिटी खातिर जो जेन्युइन काम बा
जौन जरूरी काम बा ओहिपर वो लोग पहल कर नहीं लो। ये समाज के विकास खातिर ये जिला के जे भी हमने के युवा लोग बा ओकरा के वो लोग बार बार पहल से अपना मीडिया के मार्फत समझावे नहीं लो, बतावे नहीं लो, कोशिश कर नहीं लो। एक खातिर हम लोग के आभारी वाली लोग के धन्यवाद देते नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए पुलिसिया कार्रवाई के आलम ही बटे कि काल रात में 8 बजे करीब हम अगर पकड़ी बाजार से डीबी गांव आवत रहनी, पुलिस के गाड़ी खड़ा रहे और रोड पर एगो आदमी ना लौकत रहे। इमरजेंसी में एगो डॉक्टर के बुलावे करे तो कहले कि भैया आई या रिसीव करके ले जाई, हम आएम ना। ई ओजा अभी खौफ के आलम बटे, पुलिस से इतना ओजा के लोग डराइल बटे। तो जिला प्रशासन से आग्रह बटे, निहोरा बटे मैच बॉक्स के भी के पर उचित कार्रवाई करके जे दोषी वगैरह के सजा देल जाओ, निर्दोष के ना फंसावल जाओ, निर्दोष के साथे अन्याय ना कल जाओ। मैच बॉक्स देखत रहनी रहुआ, अभी तक सब्सक्राइब नहीं के लिए तो कर ली, फेसबुक पर देखते हैं तो पेज के लाइक करी, फॉलो करी, आप वीडियो के तो नहीं फैलाई कि प्रशासन के आँख खुलो।